आगामी कर्नाटक चुनाव में देवगौड़ा परिवार के लिए हासन सीट विवादों का केंद्र बनती जा रही है। हासन सीट पर उम्मीदवार का चुनाव करना देवगौड़ा परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। दरअसल इस सीट पर अब HD देवगौड़ा की बहू भवानी रेवन्ना ने भी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन पार्टी प्रमुख HD कुमार स्वामी इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे ये मामला सुलझता है। बता दें कि हसन जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भवानी रेवन्ना कुमार स्वामी के बड़े भाई और पूर्व मंत्री HD रेवन्ना की पत्नी है। भवानी रेवन्ना ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उनके नाम पर पार्टी में अंतिम मुहर लग गई है और 2 दिन बाद पार्टी द्वारा इसकी एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन आखिर में भवानी रेवन्ना की इच्छा पर पानी फेरते हुए कुमार स्वामी ने 25 जनवरी को इससे इनकार कर दिया। JDS ने मई तक होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पहले ही 93 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है, लेकिन हसन निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभी तक एक को अंतिम रूप देना बाकी है। हसन देवगौड़ा का गृह जिला है और 2018 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने हासन सीट के अलावा 7 में से 6 क्षेत्रों में जीत हासिल की थी, जिसे भाजपा के प्रीतम गौड़ा ने हासिल किया था, जिससे वो कालीगा बहुल में भगवा पार्टी की ये पहली जीत थी। हालांकि रेवन्ना के बड़े बेटे और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी मां के उम्मीदवार होने के दावे के तुरंत बाद कहा था कि देवगौड़ा फैसला करेंगे और हर कोई इसका पालन करेगा। उन्होंने कुमार स्वामी के इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि वो उम्मीदवार नहीं होगी। HD कुमार स्वामी ने कहा, अगर उनकी उम्मीदवारी एकमात्र विकल्प होती तो मैं उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहता, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि हासन निर्वाचन क्षेत्र में एक सक्षम उम्मीदवार है। कुमार स्वामी ने बाद में साफ किया कि भवानी की उम्मीदवारी पर उनके परिवार के भीतर कोई विवाद नहीं हुआ। पिछले चुनावों में विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी अनीता कुमार स्वामी को मैदान में उतारने के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि हम बिना किसी विवाद के फैसला लेंगे। अनीता ने 2008 से 2013 तक मधुगिरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वर्तमान में रामनगर से विधायक है। हासन से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली भवानी ने सफलतापूर्वक जिला पंचायत चुनाव लड़ा और 2016 में हासन जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में पसंदीदा कैंडिडेट थी। वहीं रिपोर्टों के अनुसार अनीता कुमार स्वामी के विधायक बनने के बाद से दोनों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी, जिसके बाद देवगौड़ा को शांति के लिए हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने विधायक टिकट के लिए भवानी रेवन्ना की मांग को स्वीकार नहीं किया था, ताकि भाजपा और कांग्रेस जैसे दल JDS पर पारिवारिक पार्टी होने का आरोप न लगा पाए। पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भवानी की घोषणा के बीच JDS नेतृत्व ने अभी तक हासन के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने दिसंबर में 93 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।